good morning everyone welcome to the uh, to new my online session i was discussing array today i am going to discuss uh, one dimension array and two dimension array okay let's watch i already explained the one dimension array in details आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि टू डायमेंशन एरे में कैसे मेमोरी का एलोकेशन होता है, है ना पहले आपको बता चुके हैं कि टू डायमेंशन का एरे क्यों यूज़ करते हैं वेन वी वॉन्ट टू स्टोर डेटा इन टेबलर फॉर्मेट और इन मैट्रिक्स फॉर्मेट विल यूज अ टू डायमेंशन एरे ओके तो टू डायमेंशन एरे में डेटा का इनिशियलाइजेशन कैसे होता है डिक्लेरेशन कैसे होता है डिक्लेरेशन जैसे वन डायमेंशन एरे का होता है आपको दिखाते हैं अभी वन डायमेंशन एरे में लीनियर uh, फॉर्मेट में डेटा रहता था मतलब या तो रो के फॉर्मेट में या तो कॉलम के फॉर्मेट में है ना तो सिर्फ साइज़ हम डिफाइन करते थे एक ही या रो या फिर कॉलम है ना बट क्योंकि टू डायमेंशन एरे में डेटा टेबुलर फॉर्मेट में रहता है मतलब रोज़ भी रहेगा साथ में कॉलम्स भी रहेगा तो जब उसका सिंटैक्स क्या होगा यहाँ पे डेटा टाइप रहेगा डेटा टाइप फॉर एग्जाम्पल इंटीजर दिए हैं दूसरा वेरिएबल नेम सेम जैसा कि इससे पहले आप डिक्लेयर किए हो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट सिर्फ दो हो रहा है ये दो सब्सक्रिप्ट का मतलब है कि पहला जो सब्सक्रिप्ट है टू ये डिफाइन करेगा नंबर्स ऑफ रोज फोर डिफाइन करेगा नंबर्स ऑफ कॉलम्स है ना डिस्प इज़ द नेम ऑफ एरो टू इज़ द डिस्प विल कंटेन्स टू रोज एंड फोर कॉलम्स और उसमें हम डेटा कैसे इनिशियलाइज कर रहे हैं वो देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है मतलब दो रो रहेगा और चार कॉलम पहले फर्स्ट रो में पहले डेटा इंट्री होगा तो एक रो में कितना कॉलम है चार कॉलम है तो पहला रो में वन टू तो, थ्री फोर ये डेटा पहला रो में रहेगा दूसरे रो में ये डेटा जाएगा क्लियर है सेम जैसे मेमोरी का एलोकेशन वन डायमेंशन एरे में होता था वैसे ही मेमोरी का एलोकेशन टू डायमेंशन एरे में होगा ओके आपको मेमोरी का एलोकेशन अभी हम दिखा देते हैं एरे कंटिन्यूस मेमोरी को एलोकेशन एलोकेट करता है जैसा कि वन डायमेंशन एरे में आप लोगों को दिखाई दिखाए थे वैसे यहां यहाँ होगा दिखाएंगे अभी ये वाला बहुत बेहतर एग्जाम्पल था कि टू और थ्री वाला जो स्टोर कर रहा था टू एंड फोर वाला तो यहाँ पे कितना मेमोरी एलोकेट करेगा मतलब कितना शेल होगा फोर टू जै एट शेल होगा टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इंटीजर डेटा को स्टोर करेगा किस टाइप का है इंटीजर है और एक इंटीजर का डेटा कितना मेमोरी एलोकेट करता है दो बाइट एलोकेट करता है इट मीन्स पे कितना मेमोरी का को एलोकेट करेगा एट टू ज़ा सिक्सटीन बाइट मेमोरी को एलोकेट करेगा क्योंकि हम प्रोग्राम एरे में कर रहे हैं तो ये uh, फोर टू जट एट टू जिक्सटीन सिक्सटीन बाइट कंटीजुअस मेमोरी को एलोकेट करेगा कंटीजुअस मेमोरी का एलोकेशन कैसे होगा आइए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं ये कितना वन टू थ्री फोर फाइव रोज़ वन टू थ्री फोर फाइव रोज़ एंड फोर कॉलम्स का ये एक एरे बनाया हुआ है एरे का इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट होता है तो यहाँ भी टू डायमेंशन एरे में भी ये ज़ीरो होगा वन होगा टू होगा थ्री फोर इधर ज़ीरो वन टू थ्री ठीक है पेन पेपर से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता आप लोगों को आसानी हो जाए थोड़ा इस वजह से हम साइट से लेकर के एक्सप्लेन कर रहे हैं डेटा तो यहाँ पे डेटा इस तरह से स्टोर होगा ये पहला रो है ये जो है ना ये फर्स्ट रो है ये सेकेंड रो है ये थर्ड रो है ये फोर्थ रो है ये फिफ्थ रो है बट यहाँ फोर थ्री एक कम दिखाई दे रहा क्यों क्योंकि जीरो से इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होता है इसीलिए और इसी तरह ये कॉलम है तो मेमोरी का एलोकेशन रो वाइज़ होता है पहले फर्स्ट रो के कंटेंट में आएगा ये यहाँ से है ना तो फर्स्ट रो में आकर के यहाँ पे पहले इसको एलोकेट करेगा ये साइज़ फिर ये साइज़ फिर ये साइज़ फिर ये साइज़ अब इसके बाद वो नीचे नहीं आता है में वो उसके बगल में ही जाएगा वहाँ पे मतलब अब इसके बगल में ये यहाँ पे आएगा वन ज़ीरो वन 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 टू इस तरह से आएगा एंड ऑन ओके समझ में आए तो यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे तो मान लो कि ए आर आर इसका नाम है इसके कंटेंट को एक्सेस करना है तो ए आर आर ऑफ़ टू टू मतलब एरे का सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम का डेटा क्लियर है तो यहाँ पे हम जब रीडिंग या राइटिंग करेंगे डेटा मतलब स्कैनफ या प्रिंट करेंगे जब भी हम डेटा इनपुट लेंगे एम परसेंट के साथ यहाँ पे इसको भी लुप चलाना होगा ये टू के लिए भी मतलब रो के लिए भी लुप चलाना होगा कॉलम के लिए भी लुप चलाना होगा हमेशा ध्यान में रहे कि एरे का इंडेक्स वैल्यू जीरो से स्टार्ट होता है तो लुप भी जीरो से स्टार्ट होगा चाहे रो का हो या फिर कॉलम का हो एक्सेसिंग होता कैसे है पहले रो में जाते हैं इस रो में जाएंगे उसके कॉलम के डेटा को एक्सेस करेंगे ये 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 फिर नेक्स्ट रो में आएंगे मतलब आउटर लुप शुड बी द रो लुप उसके बाद हम इनर लुप में आएंगे इनर लुप शुड बी द कॉलम लुप ओके चलो अब नेक्स्ट एक प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए देखो सिंपल एरे uh, में डेटा इनपुट ले रहे हैं है ना कैसे ले रहे हैं मेन फंक्शन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं देखो इनपुट कैसे लेते हैं इंड ए बी सी फाइव फाइव रोज एंड फोर कॉलम्स का एरे है जिसका नाम है ए बी सी इन टाइप का है दूसरा वेरिएबल आई और जे को डिक्लेयर करे हैं लुक ये जो पहला लुप चल रहा है आई का ये रो के लिए चल रहा है ज़ीरो से लेकर के फाइव तक हर रो के लुप के लिए कॉलम का लुक चलेगा क्योंकि हर रो में नंबर्स ऑफ कॉलम है तो हर एक रो में कितना कॉलम है चार कॉलम है तो आई के जीरो वैल्यू के लिए भी ये जीरो से लेकर के फोर तक लेस देन फोर तक चलेगा वन के लिए भी जीरो से लेस देन फोर तक चलेगा मतलब ऐसे ये जीरो के लिए भी जीरो से लेस देन फोर तक वन के लिए भी जीरो से लेस देन फोर तक टू तो के लिए भी जीरो से लेस देन फोर तक थ्री के लिए भी जीरो से लेस देन फोर तक एंड फोर के लिए भी जीरो से लेके लेस देन फोर तक क्लियर हो गया इनर लूप आउटर लूप दिस लूप इज द इनर लूप दिस इज द आउटर लूप दिस इज द रो लूप दिस इज द कॉलम लूप हम यहाँ आते हैं यहाँ के क्या बोल रहे हैं इंटर आप मैसेज कुछ भी दे सकते हो इंटर ए नंबर इंटर द वैल्यू ऑफ़ ए बी सी या इंटर द वैल्यू ऑफ़ द लोकेशन जीरो एंड जीरो जैसा यहाँ पे दिखाई दिया है डी पर्सेंटी डी मतलब आई और जे का लोकेशन बताएंगे ज़ीरो एंड ज़ीरो के लिए वैल्यू इनपुट कराइए और जो वैल्यू आ रहा है वो कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ए बी सी के ज़ीरो ज़ीरो सेल में ज़ीरो ज़ीरो सेल दिस इज़ द एड्रेस ऑपरेटर ये बता रहा है कि इसके एड्रेस पे जा करके पहला डेटा स्टोर होगा एंड सो ऑन इसी तरह इसका मूवमेंट होगा प्रिंटिंग करना हो तो यहीं पे हम लूप चला करके एक एक डेटा को प्रिंट भी वैसे ही करेंगे प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे सिर्फ और वैसे ही जैसे यहाँ पे पर्स डी का यूज़ कर रहे हैं ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग और दूसरा और नेक्स्ट वीडियो में आपको एक और प्रोग्राम बताएंगे एरे का आपको कोई डाउट हो किसी भी तरह का प्लीज़ आप लोग कमेंट करो और पूछो थैंक यू